इसी तरह से अल्ट्रासाउंड के अंदर एक खास किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है, उसे TVS कहते हैं, ट्रांसवेजिनल स्कैनिंग कहते हैं। इसमें एक प्रोब वजाइना के थ्रू एंटर किया जाता है और फिर आपकी यूट्रस अंडेदानियों का प्रॉपर इमेज स्क्रीन के ऊपर देखा जाता है। उसमें अगर कुछ फ्री फ्लूइड अंडेदानियों और बच्चेदानी के निचले हिस्से में अगर आपने नज़र आ जाता है इकट्ठा हुआ हुआ, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि एग मैच्योर तो हो गया, क्या वो रिलीज़ हुआ या नहीं हुआ, किस तरह से उसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कौन सा अल्ट्रासाउंड उसके लिए किया जा सकता है और कौन से ब्लड टेस्ट आपकी मदद कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि पहले अगर आपका साइकिल रेगुलर 28-30 डेज साइकिल का साइकिल है तो पहले 14 दिन तक एग का साइज़ बढ़ता है, 14 डे पे वो एक मैक्सिमम साइज़ पे पहुंच जाता है और उसके बाद सडन हार्मोन के अंदर एक चेंज आता है जिसको LH हार्मोन सडनली ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एग फट जाता है और फॉलिकल फट जाता है, जिससे एक एग रिलीज़ होता है और उसके बाद फिर वो आगे जो है वो अगर स्पर्म अवेलेबल है और ट्यूबें खुली हैं तो उनके साथ मिलता है और फिर वो आगे फर्टिलाइज होके यूट्रस में जाके ग्रोथ करने लग जाता है। अब क्या ऐसे तरीकाकार किया जाए जिससे पता चले कि आपका एग रप्चर भी हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ख़ुद महसूस कर सकते हैं, उसको आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका साइकिल रेगुलर है 30 डे का है तो आपने अपनी डे 12 से ऑनवर्ड अपने बॉडी टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखना शुरू कर देना है। सुबह सुबह उठें और डेली बेसिस पे डिजिटल थर्मामीटर के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करें। जिस दिन आपका बॉडी टेम्परेचर 0.5 या 1 फ़ारेनहाइट ज़्यादा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल औकात में आप देखते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर 98.5 होता है, जिस दिन आपका बॉडी टेम्परेचर 99 या 99.5 होगा उससे समझ जाएं कि आज एग रिलीज़ हुआ है। क्योंकि जब एग रिलीज़ होता है तो कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं, जिससे क्या होता है बॉडी उसके रिएक्शन में अपना टेम्परेचर को थोड़ा सा एलिवेट करती है। नंबर टू, कुछ जो सेंसिटिव पेशेंट होते हैं उनको मिड साइकिल पेन राइट या लेफ़्ट साइड पे फील होती है। अगर आपको अपनी साइकिल के 12वें 13वें 14वें और बाद लोगों को तो इवन 11th डे के ऊपर भी जब एग रप्चर होता है तो उसकी पेन होती है, वो राइट या लेफ़्ट साइड पे फील हो जाती है। नंबर तीन, अगर आपकी 14 डे है तो अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज हुआ है जो कि पर्ली वाइट कलर का है या अंडे की सफ़ेदी की तरह है और जब उसको आप हाथ में ऐसे पकड़ें तो वो एक जाले की शक्ल इख्तियार कर जाए, एक थ्रेड की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो उसका मतलब ये है कि आपका एग रिलीज़ हो गया है। एक घर टेस्ट जिसको हम LH किट्स कहते हैं, ये हम अपने कुछ पेशेंट्स जिनको अपनी ओवुलेशन के डेज़ का पता नहीं होता उनको हम कहते हैं कि आप 11वें दिन से इसमें अपना पेशाब टेस्ट करने लग जाएं। जिस दिन आपको उसमें दो लाइनें अपीयर हो जाएं तो ठीक उसके 30 आवर्स के बाद 30 आवर्स यानी 30 घंटों के बाद आपका एग रप्चर होगा। वो दो लाइनों का मतलब ये है कि अब आपका एग रप्चर होने के लिए तैयार है। उन दिनों में अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बनाएंगे तो प्रेगनेंसी की रेशो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से अल्ट्रासाउंड के अंदर एक ख़ास किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है, उसे TVS कहते हैं, ट्रांसवेजिनल स्कैनिंग कहते हैं। इसमें एक प्रोब वजाइना के थ्रू एंटर किया जाता है और फिर आपकी यूट्रस अंडेदानियों का प्रॉपर इमेज स्क्रीन के ऊपर देखा जाता है। उसमें अगर कुछ फ्री फ्लूइड अंडेदानियों और बच्चेदानी के निचले हिस्से में अगर आपने नज़र आ जाता है इकट्ठा हुआ हुआ तो वो एक निशानी होती है कि फॉलिकल रप्चर हुआ है, एग उसमें से रिलीज़ हो गया है और जो फॉलिकुलर फ्लूइड है वो पानी है वो नीचे इकट्ठा हुआ होता है। ये भी मोस्टली हम 13वें या 14वें दिन के ऊपर कर सकते हैं। इसी तरह से एक ब्लड का टेस्ट होता है जो कि 100% कन्फर्मेटरी होता है। उसमें अगर आपका साइकिल रेगुलर डेज का है यानी 30 दिनों का है तो आपने डे 21 के ऊपर आपने अपना मेंसेस से एक हफ्ता पहले आपने अपना प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट करवाना है, जैसे सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल कहते हैं, वो टेस्ट करवाएंगे। वो अगर एक ख़ास लेवल से बड़ा हुआ होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका एग रिलीज़ हुआ था
और आपका एग प्रॉपर बना था। अब जो इमेच्योर एग होता है वो रप्चर नहीं होता। जो इमेच्योर एग होता है उसको बॉडी नेचुरली एट्रिटिक कर देती है, यानी उसको रिजेक्ट कर देती है। वो बाज़ अवक़ात किसी सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, या जो है वो उसका फॉलिकुलर फ्लूइड स्लोली स्लोली रिलीज हो जाता है और एग जो होता है वो जो मैक्रोफेजेस हैं उसको किल कर देते हैं। लेकिन जो एक मेच्योर फॉलिकल होता है, मेच्योर फॉलिकल का भी एक ख़ास क्राइटेरिया है। वो फॉलिकल जो होता है वो यूजुअली डे 14 पे रप्चर होता है और उसमें से एक मेच्योर एग रिलीज होता है। जो मेच्योर फॉलिकल है उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपके मेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10th डे के ऊपर अपना स्कैन कराया, 10+6 यानी अगर आपका 10वें दिन पे 16 mm का, 11वें दिन पे 17 mm का, 12वें दिन पे 18 mm का, यानी जो डे है उसमें आपने 6 ऐड किया, तो उतने रसाइट का फॉलिकल और वो फॉलिकुलर ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका एग जो है वो प्रॉबेबली रप्चर होगा और उसमें से फॉलिकल रप्चर होगा और उसमें से एक हेल्दी क्वालिटी का एग रिलीज होगा जो कि स्पर्म के साथ मीट करने के बाद एक जायगोट की शक्ल अख्तियार कर लेगा और वो यूट्रस में जाके बच्चे की शक्ल में ग्रो करना शुरू कर देगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो, ये 5 से 6 कुछ तरीके हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि आपका एग रप्चर हुआ, फॉलिकल रप्चर हुआ और उसमें से एग रिलीज हुआ या नहीं हुआ। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।